हेलो दोस्तों, आज एक गाड़ी आया है कि मारुति स्विफ्ट डिजायर मॉडल। इससे प्रॉब्लम है कि आपका फ्यूल लेवल जो इंडिकेशन लैम्प रहता है वो ब्लिंकिंग करता है। पूरा फिल करो टंकी तभी ब्लिंकिंग करता है, कम करो तभी ब्लिंकिंग करता है। उसका प्रॉब्लम है कि उसका फ्लोर का लाइन जो है वो कटा हुआ है। अब देखते हैं कहाँ पर कटा रहता है मैक्सिमम टाइम। हम लोग को पहले सबसे पहले सीट को खोल लेना चाहिए पीछे का, उसके बाद टंकी का जो मोटर का लाइन रहता है उसको हम देखना है अच्छे से, बारीकी से कहाँ पर मतलब कोई काट हो गया है ऐसा हो सकता है। तो आइए देखते हैं कहाँ पे काट हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं अच्छे से, तो देखिए ये देखिए दोस्तों, हाँ इधर कटा हुआ है लाइन, उसका लाइन जो टंकी का फ्लोट का लाइन है वो कटा रहने से आपका ये लाइट ब्लिंकिंग करता है। तो जो दो लाइन कटा हुआ है वो फ्लोट का लाइन कटा हुआ है, तो उसको हम लोग दोनों तार को आपस में जोड़ देंगे तो जो प्रॉब्लम हम लोग का मतलब सॉल्व हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि बाहर के लोग जो टेक्नीशियन लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट चेंज कर देते हैं टंकी को उतार के, उसके कस्टमर का ज़्यादातर खर्चा होता है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसका कहाँ से आ रहा है वो पूरा जानना जरूरी है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया। देखिए दोस्तों, ये जो तार जोड़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है अभी, टंकी फ्लोट लेवल जो है वो दिखा रहा है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।